हाइड्रेशन ऑफ पिनेकोल, पिनेकोल का मतलब विस्नल डाइओल, और विस्नल डाइओल के साथ क्या होता है, हम सिंपल सी बात करते हैं, ये हमारे पास OH है अल्फा बीटा पोजीशन पे, और हमने H2SO4 कंसंट्रेटेड, थोड़ी हीटिंग, तो हम क्या देख रहे हैं कि आज ये प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास पक्का। तो मैकेनिज्म क्या होगी इसकी, फिर अपन बात करेंगे इसके ऊपर, तो आप ही बताइए इसके लिए मैकेनिज्म अगर अपन बनाएंगे तो कैसे बनने की, आराम से बताइए, कोई ज्यादा खास दिक्कत वाली बात नहीं है, शुरू करें। तो मैकेनिज्म आप OH है, OH है, H2SO4 ले लिया और 10, तो सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि दोनों तरफ एक साथ ही बन जाएगा कार्बोकैटायन, एक तरफ बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो अगली स्टेप क्या होगी, पहले एक तरफ बनता है, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो सोचते, लेकिन अभी तो एक तरफ ही बनेगा, 1-2 शिफ्टिंग होगी, तो अगला पॉइंट क्या बनेगा, ये प्लस इधर आएगा और इधर का हाइड्रोजन उस तरफ चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो हमारे पास है, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां बनाओ या वहां बनाओ, बात एक ही था, मैंने उस कार्बोकैटायन पे बना दिया, अगर मैंने कार्बोकैटायन यहां बनाया होता तो ऑब्वियसली मेरा भी यहां बनता, तो ये हमारे पास बॉन्ड पूरा शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक तरह से कीटोन से आपको बनेगा। तो यहां दो बातें हमारे पास आ रही है, पहला और ऑन डिहाइड्रेशंस ऑफ, ऑन डिहाइड्रेशंस या इन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ पिनेकोल वी गेट रिलेटेड एल्डिहाइड और कीटोन ऑब्लिक कीटोन। सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर हमेशा 1-2 शिफ्टिंग पॉसिबल है, 1-2 शिफ्टिंग इज प्रेजेंट। तीसरा खास पॉइंट जो मुझे लगता है कि बच्चों कभी भी अगर इस तरह का है, यहां R है, यहां R डैश है, OH है और यहां पर प्लस है, तो ये कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, है या नहीं है, यहां से ये बहुत स्टेबल है, ये लोन पेयर यहां रेजोनेंस में कर रहा है, तो ये रेजोनेंस होने की वजह से ये क्या रहेगा, आर सी आर डबल बॉन्ड ओ और एच, बोलो ये रहेगा नहीं रहेगा, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है, तो अगर ये न्यूट्रल होना चाहेगा तो ये, कोई डाउट, इस रेजोनेंस से इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ती कि वो न्यूट्रल जितना स्टेबल हो, न्यूट्रल कौन नहीं होना चाहेगा, उसके लिए फाइनली बाद में ये क्या कर देगा, ये एच प्लस निकाल देगा। तो नॉर्मल कार्बोकेटायन से OH से अटैच कार्बन पे कार्बोकेटायन काफी स्टेबल है, वो कार्बन जो OH से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उस पे कार्बोकेटायन काफी स्टेबल है ड्यू टू हाई रेजोनेंस, और फिर उसके बाद ये कीटोन बन गया, दिखा या नहीं दिखा, बोलो यस और नो। अगर यहां एच होता कहीं पर भी, ये आर डैश है, अरे बेटा ये कैसे नहीं बनेगा, ये एच अलग हो गया, इसने अपना लोन पेयर यहां दिया, बस अलग हो गया। तो ये कोई बहुत ज्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, आप इस पे दिमाग लगा सकते हैं, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, लिखे तो इस बात का बार बार मैं बात जिक्र कर रहा हूं, तो कुछ तो खास बहुत है कि ध्यान से सुनिएगा, जब भी ये प्लस ही पहले यहां है, सपोज ये हमेशा आपको यहां प्लस है, ये हमेशा आपको 1-2 शिफ्टिंग देगा, क्योंकि
ये कार्बोकेटायन काफी स्टेबल है, तो ये वाला पॉइंट तो कहलाएगा 1-2 शिफ्टिंग, और फिर ये हमेशा इसमें कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है, कोई डाउट? तो ये की पॉइंट का एग्जाम्पल है, ये भी आपके लिए की पॉइंट ही है कि आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पहले इस कार्बन प्लस को यानी कार्बोकेटायन को यहां लाएंगे, फिर ये वाला एच हटा के यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे, ये दिमाग में बिठा के चले अंदर तक, तो आपका काम आसान रहेगा। पिनेकोल रिएक्शंस की, तो उसी को आगे लेके जाते हैं। पिनेकोल आपको मैंने पहले बताया था, पिनेकोल डिहाइड्रेशंस, तो पिनेकोल डिहाइड्रेशन पिनेकोल डिहाइड्रेशन के हमने की पॉइंट लिख लिए हैं, अब उसको आगे देखना है भाई, तो बहुत आसान है, कोई ऐसा खास कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। देखिएगा एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूं, अगर आपको यहां H प्लस दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? H प्लस, तो आप पहला काम क्या करेंगे, ये H प्लस ये OH को यहां पर क्या बनाएगा? कार्बोकैटायन। तो यहां आपके पास सीधा सीधा आप बिना दिमाग लगाए कार्बोकैटायन बनाएंगे, और यहां पर कार्बोकैटायन बनाएंगे, ये आपने कार्बोकैटायन बना दिया, और एक OH तो अभी भी हमारे पास है। फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, यहां 1-2 शिफ्टिंग होगी। अब ये बताइए 1-2 शिफ्टिंग किस होगी, इथाइल की या मिथाइल की? इथाइल की, इथाइल यानी ज्यादा बल्की ग्रुप है, ज्यादा प्लस आई प्लस एम प्लस एच वाले ग्रुप ज्यादा आसानी से चले जाते हैं, तो ये वाला ग्रुप आपने एक ग्रुप हटाना है, ये हटा दिया आपने OH, और प्लस यहां आ गया और ये इस तरफ आ जाएगा, यस और नो? तो एक चीज जाएगी, इसको क्या बोलोगे आप? 1-2 शिफ्टिंग। अब अगला काम क्या होगा, ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से यहां शिफ्ट हो जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो एक कीटोन आपको देखने को मिलेगा लास्ट में, और यहां पर 1-2 शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। और कुछ बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट्स लिखते जाओ इसको। ये एक एग्जांपल मान लीजिए, आपके दिमाग में एक ही चीज आ रहा है कि वाटर कहां से निकाले, H2O कहां से या OH कहां से निकाले, तो वहां का निकालें जहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल एक और हम देखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट आज का, एग्जाम्पल सेकेंड मिने को, मैंने मान लिया ये है हमारे पास कंपाउंड OH OH, तो मुझे आप में से कोई एक जना बताएगा कि बताइए कहां मैं कार्बोकैटायन बनाऊं H प्लस हटा के, जल्दी से बताइए आपको क्या लगता है, यहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा? बिल्कुल, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, बोलो है या नहीं है? अब ये मत देखो इंडक्टिव इफेक्ट यहां ज्यादा है, इंडक्टिव से कौन ज्यादा डोमिनेट करता है? अल्फा हाइड्रोजन। चलो बिल्कुल सही है, तो ये आपके पास इस तरह से बन गया, हाँ या ना? अब 1-2 शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी? होगी, और 1-2 शिफ्टिंग होगी तो इथाइल इस तरफ आ जाएगा, तो ये इथाइल इस तरफ आ गया, तो यहां पर OH प्लस, और यहां पर ये इस तरफ आ जाएगा, आएगा। अब क्या होगा, यहां पर आपके पास इस तरह का एक कंपाउंड देखने को मिलेगा, या सुनो, और ये ट्यूटोमर्स शो करेगा नहीं करेगा? इस जगह नहीं करेगा, बहुत सी जगह ट्यूटोमर्स भी शो कर देता है, इनोल फॉर्म भी देखनी पड़ती है, इस तरफ नहीं करेगा, उस तरफ तो कर सकता है, या सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, उस तरफ तो कर सकता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये भी प्रोडक्ट बनेगा आपके पास इनोल, कोई डाउट? वो ट्यूटोमर्स जो बनाएंगे जो ज्यादा स्टेबल है, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा इसके साथ, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में ये ना दिखे, ये दिखे, और आप समझ ही नहीं पाओ कि वही है जो हमने पढ़ा है, तो ऐसी गलती ना करें, आपने ट्यूटोमर्स में से बहुत अच्छे से किया है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए आपके पास ये कंपाउंड है PCl,
पीएच ओएच ओएच बोलो है या नहीं है। कहां पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा जल्दी से बताएं। आप अच्छे से बताते बता सकते हैं कि इस जगह आपको ज्यादा इजी स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा कहां पर इस जगह। क्यों भाई? क्योंकि रेजोनेंस है या नहीं है। बात सही कह रहा हूं मैं। यहां पर पीएच फिनाइल, पीएच का मतलब फिनाइल रिंग के साथ ये रेजोनेंस में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर ये फिनाइल के साथ रेजोनेंस में है तो ठीक है। लेकिन एक और चीज, क्या रिंग एक्सपांशन हो सकता है या नहीं हो सकता? वन टू शिफ्टिंग से पहले कौन सी शिफ्टिंग हो जाएगी? वन टू रिंग एक्सपांशन वाली शिफ्टिंग। बोलो क्लियर है? तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? आप इसको ऐसे देखते हैं, यहां प्लस यहां प्लस यहां माइनस। बोलो देखते हैं या नहीं देखते? और साथ में यहां पर OH, तो फिर इन दोनों को बॉन्ड बनाया आपने, बना दिया, और साथ में आपके पास क्या हो गया, एक तरह से सिक्स मेंबर रिंग हो गई। और जहां आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वहीं OH है। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? वहीं OH है, और बगल वाले कार्बन पे दो PH है, H प्लस भी रिमूव हो जाएगा। तो आपको फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फाइनल प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलेगा। आई थिंक आपने यही बनाया होगा या यही सोचा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? नहीं है ना? बस एक और एग्जांपल हम कर रहे हैं। हमारे कौन से नंबर का एग्जांपल है बताओ? थर्ड। एक और एग्जांपल फोर। कैसे हम देखते हैं एग्जांपल नंबर फोर को? ये है हमारा एग्जांपल नंबर फोर, OH OH। अगर हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल आ गया OH, तो वही हमें सोचना है कि H प्लस क्या करेगा, डिहाइड्रेशन का काम करेगा। थोड़ी सी हीटिंग जरूर करनी पड़ेगी। H प्लस आपको यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, और अगर आपने किया तो अगला आपके पास क्या बनेगा प्रोडक्ट इसके अंदर? अभी इंटरमीडिएट बनेगा, और वो कुछ इस तरह का बनेगा, OH प्लस। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। OH को हटाओ और कार्बोकेटायन लगाओ, कैटायन लगाओ। अब अगला क्या होगा? रिंग एक्सपांशन होगा। रिंग एक्सपांशन होके आप क्या करते हो? आपको बचपन से ही सिखाया गया है कि इस वाली रिंग का एक्सपांशन होगा, तो यहां प्लस लगा दो और इसी पे OH भी लगा दो, यहां माइनस लगा दो, ये प्लस। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत आ रही है? ये माइनस इस प्लस के साथ अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा जल्दी से बताओ? ये छह कार्बन की रिंग हो जाएगी, और ये कितने रहेगी? पांच कार्बन की। रहेगी या नहीं रहेगी? और यहां पर क्या रहेगा? OH प्लस के साथ। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब क्या होगा? क्या ये एच निकलेगा? उससे पहले ये रिंग एक्सपांशन नहीं होना चाहिए? होगी। होते वक्त ये क्या करेगी? देखो क्या करती है। हाँ, हम पांच को सिक्स में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहले तो पहला ऑप्शन तो ये है कि हमने पांच को सिक्स में कर दिया। कैसे किया? हमारे पास हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, समझना, OH प्लस, ये हमने बॉन्ड तोड़ दिया, यहां हमने क्या लगा दिया? प्लस। और यहां हमने क्या लगा दिया? माइनस। ठीक है, पक्का? तो अगर आपने ऐसे गए तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिल रहा है? आपके पास ये प्लस और ये माइनस हो चुका है, प्लस आपके पास यहां है और OH यहां है। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखिए इसको, बॉन्ड तोड़ा, ये मैंने प्लस को माइनस के साथ मिलाया, तो जब प्लस और माइनस मिल गए तो उसी कार्बन पे क्या है? OH है।
नहीं जा पाएगा, ये हाइड्रोजन अब यहाँ नहीं जा पाएगा। इसका मतलब अब हमारे पास यहीं से हमें रिएक्शन देखनी पड़ेगी। ये इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल है, क्योंकि यहाँ आके अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड में चली जाएगी और यहाँ आके रुकेगी, और इस जगह ये वापस आपके पास क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलेगा। मैं वहां इसलिए लेके गया हूं क्योंकि ये बताने के लिए कि आपको लगे नहीं कि यहां पर आके भी कुछ स्टेबिलिटी हो रही है। हाँ, अगर यहां पर कुछ स्टेबिलिटी हो रही होती तो बढ़िया रहता। यहां 1-2 शिफ्टिंग भी पॉसिबल नहीं है, कोई एल्काइल ग्रुप इधर थोड़ी ना आ सकता है क्योंकि पूरा फिक्स्ड है। आप इसलिए परेशान है इसमें कि कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही हमें, तो कोई बात नहीं। अदरवाइज दिखाई दे रही होती तो मैं यहां से कुछ लेता, ये प्लस वहां ले जाता और फिर डबल बॉन्ड बना लेता। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये रहेगा। बोलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक और एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल हमने शेयर करें, दोनों ही पिनेकोल जैसे, पिनेकोल नहीं है, पिनेकोल तो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी होता है, विस्लर डाईहोल होता है, या फिर आप कहते हैं, लेकिन इसको क्या बोलोगे आप, पिनेकोल नहीं बोल सकते, लेकिन कंसेप्ट वही है। AgNO3 क्या करेगा, AgNO3 आपके पास एक ही काम कर सकता है कि Cl को हटाएगा, माइनस AgCl लाएगा, यहां पर अलग हो जाएगा और यहां पर कार्बोकेटायन और ये OH, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समझ में आया? तो यहां हमारे पास इस तरह का देखने को मिल रहा है, Cl को हटाएगा AgCl की फॉर्मेट में, और यहां क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। और ये रिंग एक्सपांशन कैसे करते हैं हम, कार्बन CH3 CH3, इस पे प्लस है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, ये हमारे पास हो गया, और जिस पे प्लस रहेगा आप उसी पे OH है। तो फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, कितने कार्बन की रिंग देखने को मिलेगी, 6, और जिस पे OH है अब उसी पे प्लस है, और बाकी बगल वाले कार्बन पे कितने कार्बन है, CH3 CH3, कोई डाउट? अब आगे ये फटाफट किसमें चेंज हो जाएगा, H बाहर निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और H आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा इस तरह से, और फाइनली प्रोडक्ट आपके, फाइनल प्रोडक्ट आपको ये दिखाई देगा, और क्या बन जाएगा, ये एच प्लस वापिस निकल जाएगा, तो एक तरह से कीटोन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी। क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखते हैं। AgNO3 AgCl क्या कर, AgNO3 क्या करेगा, आई निकालेगा, तो ये हमारे की पॉइंट में भी था कि अगर बगल में कार्बोकेटायन है तो अगला स्टेप क्या होगा, 1-2 शिफ्टिंग होगी, मिथाइल की ही शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ पर OH प्लस यहाँ रह जाएगा और ये मिथाइल वहां जा चुका है, और अगला क्या रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बोलो यस और नो, क्लियर है? तो ये आपको बहुत आसानी से हर एक जगह फाइनल प्रोडक्ट आपको कीटोन दिखता हुआ हो रहा है। लिख लीजिए, एग्जाम्पल है 7 और 8। चलिए कैसे देखते हैं हम इन एग्जाम्पल्स को, आपको ये मैंने अच्छे से बताया है कहाँ पिनेकोल फॉर्मेशन। आपको मालूम है ये Mg मरकरी की प्रेजेंस में, वैसे इसको बोलते हैं मैग्नीशियम अमलगम, अमलगम कंट्रोल करता है रिएक्शंस को, तो क्या बनाएगा, पहले फर्स्ट स्टेप में CH3 C, आपको मालूम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ये डॉट बनता है और यहां क्या बनता है, ओ माइनस, यस और नो? फिर उसके बाद क्या होगा, CH3 C CH3 C CH3 CH3 और यहां ओ माइनस है, ओ माइनस है। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? मैंने आपको ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बताया था, आप चाहो तो पुराने नोट्स देख सकते हो। अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो गया, तो इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या बन जाएगा, इस जगह CH3 COH COH
CH3, CH3, CH3. अब क्या होगा, H प्लस का काम आ गया, नेक्स्ट स्टेप ये वाली, H प्लस विद हीटिंग, तो क्या बनेगा, H प्लस कार्बोकेटाइन बनाएगा, CH3, C, CH3, C, CH3, CH3, क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल है, तो एक जगह कार्बोकेटाइन लगा दो कहीं पे भी। अब 1-2 शिफ्टिंग करो, तो जल्दी से करिए, क्या हो जाएगा 1-2 शिफ्टिंग में, CH3, C, OH, कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा और CH3 इसको मिल जाएगा, CH3, CH3 और CH3, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये CH3, C डबल बॉन्ड O, C, CH3, 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 क्या मैं सही हूँ, पक्का, यही बनाया था आपने भी, वेरी गुड। अब यहाँ देखो, ये भी रिएक्शन पिनेकोल वाली जैसी है, बिल्कुल, H प्लस आएगा, अटैक करेगा, क्या मिलेगा आपको, आपको ये कंपाउंड मिलेगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आपको अच्छा नहीं लगेगा, रही सही काम, हीटिंग कर देगी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा OH, और यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन, 1-2 शिफ्टिंग होगी, होगी या नहीं होगी, वो कार्बोकेटायन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां तो दोनों ही जगह आइडेंटिकल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1-2 शिफ्टिंग होगी जिससे ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सके, जरूरत है, ऑक्सीजन से अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज काफी स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, हमने पढ़ा ही है पिनेकोल में। अब क्या होगा, फाइनली आपको ये देखने को मिलेगा, एच बाहर निकल जाएगा, ठीक है, या सुनो, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, तो ये आपके पास एक तरह से कीटोन मिल रहा है, तो अच्छी बात ये है कि हमने जितनी भी करा है ये सब कीटोन बनाने के लिए बहुत अच्छी रिएक्शन रही, लिख लीजिए, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल करे,